हेलो एवरीवन, मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए 1 kg का हाइट वाला केक बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने 2 केक बेस लिया है, जिसे मैंने 6 इंच यानी 6 इंच के केक टिन में बेक किया है। 150 ग्राम 150 ग्राम 2 बार प्रेमिक्स का यूज किया है, यानी टोटल 300 ग्राम प्रेमिक्स का यूज किया है। केक ठंडा हो गया है तो हमें आइसिंग करनी है और बहुत ही प्यारा सा ये केक बनेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ हम केक को 3 लेयर में काट रहे हैं, तो ऊपर की लेयर को निकाल दिया है। कभी वो हार्ड हो जाती है, कभी चिपचिप करती है, तो ऊपर की हल्की सी जो पतली सी लेयर होती है उसे आप निकाल दें और उसके बाद केक को 3 लेयर में काटें। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरे पास ब्रेड नाइफ नहीं है, तो आप थ्रेड यानी धागे का यूज करके केक को बहुत ही बढ़िया काट सकते हैं। और अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। तो यहाँ मैंने दोनों केक को काट लिया है, अब हमें आइसिंग करना है। तो यहाँ मैंने केक बोर्ड लिया है, थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा दी है और केक की पहली लेयर रख रहे हैं। तो आप कोई भी फ्लेवर का केक बना सकते हैं। यहाँ मैं मिक्स फ्रूट कॉकटेल का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले बहुत ही हल्का सा मैं पानी लगा रही हूँ, ज़्यादा पानी मैं नहीं लगाती हूँ, हल्का सा ही लगाती हूँ। और इसके बाद मैंने डाल दिया है व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम मेल्ट हो रही है, तो प्लीज़ नीचे आइस बाउल रखें या एसी वाले रूम का ही यूज़ करें। गर्मी है, बरसात है, तो एसी का रूम ही यूज़ करिएगा, तभी आपकी आइसिंग परफेक्ट होगी। तो यहाँ मैंने मिक्स फ्रूट कॉकटेल का यूज़ किया है और इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो एक बार अपने कस्टमर को इसको खिलाकर देखिए, वो बार बार मांगेगा। तो ये टिन में आता है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि ये बड़े पीसेस में होता है और बड़े पीसेस यूज़ करने में क्रीम बहुत ज़्यादा लगती है। तो छोटे पीसेस कर लें और उसके बाद इसे यूज़ करें। एक बार फिर से मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम डालकर और ऊपर से एकदम बराबर इवन कर दिया है, नहीं तो केक ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप फ्रूट डालें और क्रीम नहीं डालें तो फ्रूट के बाद आप क्रीम ज़रूर यूज़ करिएगा और उसके बाद स्मूथ कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से हमें सेकेंड लेयर रखनी है और वही प्रोसेस अपनाना है, और तब तक इसे करना है जब तक सभी लेयर को इस तरह सेट ना कर लें। अगर आप मिक्स फ्रूट पसंद नहीं करते हैं या आपको मिल नहीं रहा है तो आप क्रश का यूज़ कर सकते हैं, कई फ्लेवर में आता है, या बिना क्रश या फ्रूट के भी आप इसे बना सकते हैं केवल क्रीम लगाकर, क्योंकि केक में फ्लेवर होता ही है, पाइनएप्पल वेनिला जो भी आप केक बना रहे होंगे तो एसेंस तो डालेंगे ही डालेंगे, बस आपको आइसिंग करनी है। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्रम कोटिंग कर रही हूँ। मैं क्रम कोटिंग ज़रूर करती हूँ, जिससे केक में बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है। क्रम कोटिंग करके आप केवल 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद फाइनल कोटिंग करें, और उसके बाद देखें फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो जो क्रीम बची है इसमें मैंने पिंक कलर ऐड कर दिया है, जो भी कलर का आपको केक चाहिए वो कलर ऐड कर दें, और अनइवन मिलाया है क्योंकि मुझे शेड वाला चाहिए केक पे डिज़ाइन। तो व्हिप क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है। और उसके बाद केक को स्मूथ कर लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे निकाल देते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं और ये केक डिज़ाइन आपको कैसी लगी। ये केक बहुत ही प्यारा मुझे लगा, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैंने केक को स्मूथ कर लिया है, अब मैंने सिलिकॉन ब्रश लिया है और बहुत ही हल्का से छुआएंगे केक को घुमाते हुए, इससे डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगती है और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो यहाँ मैं एक फ़ोटो लगाने वाली हूँ, तो मैंने इसे प्रिंट करवा लिया था। ये नॉर्मल फ़ोटो है, इटेबल नहीं है, और पीछे मैंने लगा दिया है फोंडेंट, जिससे ये फोटो खराब नहीं होगी। और इस तरह की लेस ले ली है, ये मार्केट में या कोई भी आपको लेस मिल रही है वो आप लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इससे हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो यहाँ मैं व्हिप क्रीम का अब काम नहीं करूंगी, केवल डेकोरेशन करना है। तो यहाँ मैंने नीचे लेस लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा है उसे काट देते हैं। रियल रोज का यूज कर रही हूँ, तो मैंने नीचे डंठल पे जो क्लिंग रैप आता है उसे लगा दिया है और रोज लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने रेड कलर का यूज किया है। ये केक मेरा ऑर्डर का था। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं इंस्टा और कई जगह कि मैम आप जो ऑर्डर के केक होते हैं उसकी भी डिजाइन मेरे साथ शेयर करें, मतलब आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। तो यहाँ मैंने फोंडेंट के हार्ट कट कर लिया है और ये जो फोटो है इसे सबसे पहले बीच में लगा देते हैं, पीछे फोंडेंट है जिससे फोटो खराब नहीं होगी। और ये इटेबल नहीं है, नॉर्मल जो फोटो होती है प्रिंट करवा के उसे मैंने लगाया है। हार्ड लगा देते हैं, इसे मैंने कटर से काटा है, फोंडेंट को बेल के और कटर से काट लिया है। हैप्पी बर्थडे का टैग लगा देते हैं, और मेरे पास इस तरह की लीव है, मैं मार्केट से लेके आई थी, इसे मैंने साइड में लगा दिया है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा केक
तैयार हो गया है। यकीन मानिए ये सामने से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो अगर आप कुछ इस तरह की डिजाइन ढूंढ रहे हैं तो जरूर बनाइए, बहुत पसंद आएगा सभी को। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, डिजाइन कैसी लगी और कौन कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं और डिजाइन देखना चाहते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।